Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भगवान यीशु गाय को मां मानते थे। भगवान यीशु का जन्म गौशाला में हुआ था। फिलिस्तीनी शहर बैतलहम को ईसा मसीह का जन्मस्थान और ईसाइयों की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। यह जगह दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदाय का निवास स्थान है। यीशु ने ईसाई धर्म की स्थापना की, यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यीशु ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल भी कभी कहीं भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि गो हत्या का आदेश भगवान इंसान को देता है। भगवान यीशु के शरीर को जब कील से छलनी किया गया था, तब भगवान यीशु के यही वचन थे कि ऐसा करने वाले को क्षमा करें। यहाँ यह सोचने वाली बात है कि जो देव अपनी मृत्यु करने वाले को भी माफ करने की बात करता है, क्या वो अपने शिष्यों को मांस खाने या गौ हत्या करने के लिए प्रेरित कर सकता है? भगवान यीशु गाय को मां मानते थे। प्राचीन विश्व के दौरान पवित्र बैल की पूजा पश्चिमी विश्व की स्वर्ण बछड़े की प्रतिमा से संबंधित बाइबल के प्रसंग में सर्वाधिक समानता रखती है। यह प्रतिमा पर्वत की चोटी के भ्रमण के दौरान यहूदी संत मोसेस द्वारा पीछे छोड़ दिए गए लोगों द्वारा बनाई गई थी और सिनाई के निर्जन प्रदेश में यहूदियों द्वारा इसकी पूजा की जाती थी। मर्दुक उटू का बैल कहा जाता था। कई जगह साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि यीशु गाय को पवित्र मानते थे। जहां यीशु का जन्म हुआ था वहां भी गाय थी, और जन्म लेते ही यीशु ने गाय को देखा था, तभी से यीशु का गाय से काफी लगाव था। फिलिस्तीन देश जहां पर ख्रिस्ती धर्म की स्थापना हुई, जब वहां खुदाई की गई तो वहां पर गाय की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली थीं। ऐसा कई जगह पर हुआ है कि खुदाई में गाय और बैल दोनों साथ मिले हैं। साथ ही साथ दीवारों पर कई तरह की चित्रकारी भी मिली है जहां लोग गाय की पूजा करते हुए मिले हैं। इस पूरे दृश्य से साफ होता है कि या तो जहां पर इस तरह की चीजें मिली हैं वहां पर कभी हिंदू धर्म था। इस बात को तो कोई मानता नहीं, तो इसका अर्थ यह है कि विश्व के एक बड़े हिस्से पर गाय की पूजा की जाती थी। बाइबल में कई जगह गाय का जिक्र है, और जहां यीशु के जीवन का जिक्र हुआ है वहां गाय और बैलों की पवित्रता का भी जिक्र है। भगवान यीशु गाय को मां मानते थे। जो ईसाई लोग आज मांस खाते हैं या फिर गाय खाते हैं, असल में वो यीशु के भक्त ही नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने कभी नहीं कहा आप बेजुबान जानवरों को मार कर खा जाओ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.